दोस्तों, आज हम बात करने वाले माइनक्राफ्ट की ऐसी मिस्ट्री के बारे में जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो वो मिस्ट्री होने वाली ये है आज की हमारे मॉब एंडरमैन के बारे में। तो क्यों ये मॉब जब भी गायब होते हैं तो ऐसे पिंक स्पार्कल निकलते हैं? तो चलिए हम आपको आज बताते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा कुकिंग के भाई साहब के चैनल। और यहाँ आपको दिखा देते हैं एंड पोर्टल में कि एंड पोर्टल के अगर आप गौर से इससे देखेंगे तो आपको दिखने वाला है एक चीज़ दिखेगी आपको एंड पोर्टल में जो कि है उसके पार्टिकल। अगर आप उसके गौर से पार्टिकल देखेंगे तो यहाँ से निकलता है कुछ ब्लैक पार्टिकल उससे। तो पहला पॉइंट तो हमने देखो कि अगर हम एंडरमैन को अगर हिट करते हैं तो उसके अंदर से भी पार्टिकल निकलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पार्टिकल उसके अंदर से भी निकलते हैं, तो हम देख लिया। लेकिन अब हम दूसरी थ्योरी की बात करें तो वो बोलते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर एक एनर्जी है जो कहलाती है पोर्टल एनर्जी। और पोर्टल एनर्जी में भी ऐसे सेम पार्टिकल, जैसे ही हम नेदर पोर्टल लाइट अप करते हैं उसके अंदर से भी सेम पार्टिकल निकलने होते हैं जिस तरह से एंडरमैन की बॉडी से निकलने होते हैं। तो आपने इन लोगों से रिलेट किया होगा कि एंडरमैन शायद से नेदर में कुछ एंशियंट डायमेंशन रहा करती थी जो आगे जाके उनको एक और डायमेंशन में गई थी नेदर में। फिर उन वो एक और डायमेंशन डिस्कवर करना चाहती थी तो वो गए द एंड पोर्टल। इसलिए जो वो एंशियंट डायमेंशन गए थे वो नेदर से बच के तो आ गए थे एंड में, लेकिन एंड से बच के तो गए लेकिन और किसी रूप में नहीं, अपने एंडरमैन के रूप में। इसलिए आज भी नेदर और एंडरमैन के पार्टिकल अभी भी सेम तरह से दिखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं अपने अगले मॉब जो कि है हमारा बसूरत सा मॉब क्रीपर। वो ये कौन सा क्रीपर दिखा दिया, ये तो हमारे वर्जन का डिफरेंट है वर्न क्रीपर। मैं आपको क्रीपर ही दिखा देता हूँ, इतना 32 दिख रहा है। हाँ तब यार ये क्या कर रहा था ऐसा क्यों इस क्रीपर की जो मेरे हाथ में दिख रहा है, अरे इस क्रीपर की। तो इसमें मैं आपको बता दूँ अगर हम डेजर्ट पिरामिड के सैंड स्टोन में देखेंगे, तो हम एक क्रीपर का हम फेस देखेगा और वो सेम फेस हमें माइनक्राफ्ट में दिख जाए। तो अगर आपको पता है अगर हम डेजर्ट टेंपल, तो यहाँ पे ना ये लोग ना अपने यहाँ पे भी अगर हम डेजर्ट पिरामिड में जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें मिलेगा क्रीपर का फेस देखने को मिल जाएगा और वो पूरी वॉल पे लगा हुआ होगा। और अगर आपको पता नहीं है पहले ये लोग ना डरते थे कि ना उनको कैट से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए ना उन्होंने ऐसा मॉब बनाया क्रीपर जो कि इस वर्ल्ड में आ जाए लेकिन वो पिरामिड के अंदर, लेकिन वो प्लेयर को नुकसान ना पहुंचाए। पर अगर प्लेयर के पास कैट नहीं है तो क्रीपर उसके हर बिल्ड को तबाह कर सकता है। पर सही है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। आपको मज़ा आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, और हम आपको मिलते हैं ऐसे ही ढंग से वीडियो में। तब तक पीस एंड लव एंड बाय बाय। अरे बाय बाय कर दो भाई, ऐसे थोड़ी कर।